हेलो दोस्तों, पेटीएम अकाउंट किस तरह से बनाएंगे इस वीडियो में आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आपको पेटीएम अकाउंट बना के ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन करना है किसी का बैंक अकाउंट में स्कैनर क्यूआर कोड पे किस तरह से आप ट्रांसफ़र करेंगे और कैसे आप पेटीएम अकाउंट बनाएंगे सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप अपने आधार कार्ड की मदद से आप अपने पेटीएम अकाउंट बना सकते हैं, यूपीआई क्रिएट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करना है सारा कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं किस तरह से आपको पेटीएम अकाउंट आपको बनाना है। तो पेटीएम एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको जा करके डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ तो सिंपल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे वो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सारा यहाँ परमिशन आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करेंगे तो आपका आपका मोबाइल नंबर जो इंटर करेंगे उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप पेटीएम में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अलाउ यहाँ पे आप क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट को लिंक करना है। तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूपीआई पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है रीएक्टिवेट यूपीआई अकाउंट। आपको वहाँ पे ऐड बैक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो मैं यहाँ पे रीएक्टिवेट यूपीआई अकाउंट का ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड बैक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अब आपको ऐड बैक अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक का आपका लिस्ट आ जाएगा, जितना भी आपका यहाँ पर सारा बैंक है जो लिस्ट आ जाएगा, आपका जो भी बैंक है उस बैंक पे आपको क्लिक करके ऐड कर लेना। मेरा यहाँ पे स्टेट बैंक है तो यहाँ पे स्टेट बैंक के मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिंक यहाँ पे बैंक अकाउंट मेरा लिंक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर रिसीव मनी फॉर एनी यूपीआई ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद कंग्रेचुलेसन आपके यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद ओके गोइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूपीआई बनाने का ऑप्शन नहीं आया, अगर आप फर्स्ट बार कर रहे हैं तो आपको वहीं पे ऑप्शन फर्स्ट में ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको मैं यूपीआई बना करके आपको बताता हूँ। यूपीआई बनाने के लिए आपको फर्स्ट में ही वहीं पे ऑप्शन यूपीआई पिन सेटअप करने का आ जाएगा। मेरा यहाँ पर चेंज यूपीआई पिन मैं करूँगा क्योंकि मेरे पहले से बना के रखा हूँ, तो मैं चेंज वाले पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यूज डेबिट कार्ड और यहाँ पे यूज आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड से बनाना है तो आधार कार्ड वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना है, 6 अंक आपको फर्स्ट का आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर लेना है। मैं यहाँ पर आधार कार्ड का फर्स्ट का 6 अंक इंटर कर लिया है, आपको भी इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर लेना है। यहाँ पे ओटीपी इंटर हो चुका है, जैसे कि आधार कार्ड का ओटीपी यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ इंटर 6 डिजिट आधार ओटीपी, तो यहाँ पे इंटर हो चुका है, तो टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इंटर बैंक ओटीपी, तो बैंक का ओटीपी यहाँ पर इंटर कर लेना है। यहाँ पे बैंक का ओटीपी मैंने इंटर कर दिया, टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन, तो आपको यहाँ पे यूपीआई पिन सेट कर लेना है, अपने हिसाब से आपको सेट करना है यूपीआई पिन। मैंने यहाँ पे यूपीआई पिन इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से कन्फर्म यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा, तो आपको फिर से रिपीट करके आपको कन्फर्म कर लेना है। मैंने यहाँ पर फिर से कन्फर्म कर दिया, उसके बाद टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई पिन यहाँ पर सेट सक्सेसफुल यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैंक जाना है। अब आपको पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र करना है किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी का क्यूआर कोड पे, किसी का मोबाइल नंबर पे, फ्रेंड वगैरह का, तो आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर टू बैंक लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर बैंक डिटेल इंटर करने का ऑप्शन, इंटर बैंक डिटेल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद बैंक का यहाँ पर नाम डालना है और यहाँ पर IFSC कोड इंटर करना है। आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना कौन सा बैंक में आपको पैसा सेंड करना है,
तो बैंक को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको, उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे, उसके बाद आईएफएससी कोड इंटर करना है, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट इंटर कर लिया, अकाउंट नंबर इंटर कर लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहाँ पे आईएफएससी कोड इंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम वेट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर रिसीवर नेम यानी नेम क्या है, रिसीवर नेम आपको इंटर कर देना है। मैं यहाँ पे अपना नाम इंटर कर देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा डिटेल। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपको अमाउंट इंटर करना है, जो भी आपको पैसा भेजना है, आपको यहाँ पर पैसा इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूपीआई पिन इंटर करके आपको पैसा सेंड कर देना है। चलिए मैं सेंड कर देते हैं। यूपीआई पिन इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ टाइम वेट करेंगे, यहाँ पे पैसा सेंड हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन टिक यहाँ पर हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अब पेटीएम अकाउंट बना करके किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर पर ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर टू मोबाइल कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके मोबाइल नंबर पर यहाँ से सेंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी का स्कैनर क्यूआर कोड दिया है, स्कैनर क्यूआर कोड है, तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। कैमरा ओपन करके आपको स्कैन क्यूआर कोड पे स्कैन करके सेंड कर सकते हैं। यहाँ से और बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से आपको बैलेंस चेक करना है, तो यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है जो। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर रिचार्ज करना है, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप मोबाइल नंबर भी रिचार्ज आप कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, यहाँ पे बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, यहाँ पे DTH OTT पेमेंट, सारा कुछ यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए हैं कि इस तरह से आपको पेटीएम अकाउंट बना करके आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपको पेटीएम अकाउंट बनाना है आधार कार्ड की मदद से, और आपको पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सुनील कुमार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।